आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंडीशंस एंड वारंटीज, शर्त एवं आश्वासन। इससे पहले अगर अपन एक बात करें, एक वर्ड है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन की अगर मैं बात करूं हिंदी में कहा जाएगा बंधन। तो जब भी हम किसी भी शॉप पे किसी भी दुकान पे जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है एक सेलर अपनी गुड्स को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि ये गुड्स ऐसी है, ये गुड्स ऐसी है। फॉर एग्जांपल आप कपड़े लेने चले गए, तो उस केस में सेलर क्या करेगा, ये बताएगा कि ये कलर बहुत अच्छा है, आप इसको पहनने के बाद बिल्कुल हीरो की तरह लगोगे, सब आपकी तरफ देखेंगे, इसका कलर नहीं जाएगा, ये है वो है एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें बताएगा। उनमें से कुछ अपन को भी पता होता है कि फालतू है, और कुछ ऐसी होती है जो काम की होती है, उन्हें अपन कैस कर लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे स्टिपुलेशन। इट मीन्स उस बात को बोल के वो सेलर भी फंस जाएगा। तो उन दोनों को अगर मैं बात करूं तो कहा जा सकता है या तो कंडीशंस या फिर क्या कहा जा सकता है वारंटीज कहा जा सकता है। अब अपन इसी का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस है और कौन कौन सी अपनी वारंटीज होगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंडीशंस की, सबसे पहले अपन किसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, कंडीशंस की डेफिनेशंस की। तो सबसे पहली जो कंडीशंस है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, शर्त। तो कंडीशंस वो है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल्स है, मेन है, जरूरी है। अगर वो टूटेगी तो बायर को डबल रेमेडी मिलेगी। सबसे पहला वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक या रिसाइन कर सकता है, और दूसरा वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वारंटीज की, जिसे कहा जाएगा आश्वासन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वारंटी वो है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, कोलेट्रल है, संपार्श्विक है, एडिशनल है, जिसके टूटने पे बायर को सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी मिलेगी, और वो कौन सी मिलेगी, वो सिर्फ क्या कर सकता है कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक या रेपिडेट नहीं कर सकता। तो दोबारा अगर मैं डेफिनेशंस पे आऊं, कंडीशंस क्या है, शर्त क्या है, कंडीशंस वो है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है एसेंशियल्स है, नैन है। अगर वो ब्रेक होगी तो बायर को क्या होगा, डबल रेमेडी मिलेगी, पहला वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक या रेपिडेट कर सकता है, और दूसरा वो क्या कर सकता है कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। और वारंटीज कौन सी, अगर वारंटीज टूटेगी तो बायर को सिर्फ एक रेमेडी मिलेगी, और वो रेमेडी कौन सी होगी, वो सिर्फ क्या कर सकता है कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। इसके एग्जांपल की बात करें, इसको याद रखने के लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हो, गारंटी एंड वारंटी। क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप इसके लिए, गारंटी एंड वारंटी के। भैया गारंटी के केस में अगर आप कोई कमोडिटी खरीद के लाते हो और उसके ऊपर गारंटी है, और उस गारंटी पीरियड में अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट निकल के आता है, तो आप क्या कर सकते हो, गुड्स रिप्लेस भी करवा सकते हो और गुड्स में अपना पैसा वापस मांग सकते हो। बट इन द केस ऑफ वारंटी सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उस गुड्स में कोई डिफेक्ट है उसको दूर करवा सकते हो। लेकिन गारंटी और वारंटी इसको बोलना नहीं है, बस इसको समझने के लिए दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं, गारंटी एंड वारंटीज। तो अब अपन बात करें कि कंडीशन एंड वारंटीज में डिफरेंस क्या होगा, या इन नॉर्मल आप कहोगे ये कोलेट्रल वर्ड वगैरह भी तो समझ में नहीं आता। अगर बायर गुड्स खरीदते टाइम अपना पर्पज बता दे कि मुझे ये गुड्स इसलिए चाहिए, और अगर वो चीज ब्रेक होगी तो उसे आपको क्या ट्रीट करना है, कंडीशंस या शर्त। अगर वो चीज ऐसी है जो नॉर्मल है, जो पहले से बताए ना बायर, तो उसे आप क्या कह सकते हो, आश्वासन कह सकते हो। बाय द वे लेकिन क्वेश्चन हमेशा क्या बनेगा कि कंडीशंस क्या है, वारंटी क्या है। कंडीशन वो है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन है, एसेंशियल है, जरूरी है, जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ होता है। और वारंटीज क्या है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन या एसेंशियल नहीं है, सिर्फ क्या है कोलेटरल है, उसके टूटने पे सिर्फ सिंगल रेमेडी मिलेगी। क्या मिलेगी, वो सिर्फ क्या कर सकता है डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ये थी कंडीशंस एंड वारंटीज। अगर अपन इसके ऊपर डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग का ही बन सकता है कि कंडीशंस का मीनिंग क्या है और वारंटी का मीनिंग क्या है। तो ये कंडीशंस का मीनिंग क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन एसेंशियल हो और वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन एसेंशियल ना हो। दूसरा अगर मैं बात करूं रेमेडीज की, भाई इन द केस ऑफ ब्रेक ऑफ कंडीशंस अगर शर्त टूटेगी तो क्या रेमेडी है, यहाँ पे दो रेमेडी है। सबसे पहला आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ वारंटी आपके पास सिर्फ एक रेमेडी है, आप क्या कर सकते हो कंपनसेशन या डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, वो आता है कन्वर्जन। क्या आप कंडीशंस को ट्रीट वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, अगर कोई कंडीशंस ब्रेक हुई है तो आप उसे वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हो क्या, आपका आंसर होगा यस, कि एक कंडीशंस ब्रेक को वारंटी ब्रेक की तरह ट्रीट किया जा सकता है। बट इन द केस ऑफ वारंटी अगर ब्रेक हुई है तो आप उसे कंडीशंस ब्रेक की तरह ट्रीट
नहीं कर सकते। दोबारा ध्यान दे लेना, अगर कंडीशंस ब्रेक हुई है तो आप उसे वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। सीधा सा एग्जांपल भाई, अगर किसी कमोडिटी पे गारंटी थी और उस गारंटी पीरियड में वो खराब होगी, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे रिप्लेस करवा सकते हो, लेकिन आपने उससे कहा नहीं भी, तो इसके डिफेक्ट भी दूर कर दे। इट मींस कंडीशंस को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, बट वारंटी को कंडीशंस ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये था डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, implied conditions and warranties। भाई दो वर्ड आते हैं, express and implied। express means क्या होता है? जब भी किसी चीज को, जब भी किसी conditions को बोल के या लिख के बता दिया जाए तो वो कौन सी होगी? express conditions या express warranties। बट अगर किसी भी वर्ड के साथ अगर इंप्लाइड वर्ड यूज कर दिया जाए, इट मींस जो बिना बोले बिना लिखे, इट मींस जो जनरल सेंस से क्या की जाए, एज्यूम की जाए, इसे हम क्या कहेंगे? इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। तो इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज का मतलब क्या है? वो कंडीशंस, वो वारंटीज जो आपको बिना बोले बिना लिखे बिना पूछे ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। तो सबसे पहले मैं बात करूं इंप्लाइड कंडीशंस की, हिंदी में मैं कहूं गर्भित शर्तें, कि इंप्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो इंप्लाइड कंडीशन आती है वो आती है कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। हिंदी में अगर मैं कहूं स्वामित्व संबंधी शर्त, सबसे पहले इंप्लाइड कंडीशंस कौन सी आएगी? स्वामित्व संबंधी शर्त, कि जब भी कोई बायर सेलर के पास कोई भी गुड्स खरीद के लाता है तो वो ये एज्यूम करता है कि सेलर को बेचने का राइट तो हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो तो क्या आप दुकान पे जो भी बैठा है उससे ये पूछते हो क्या कि भाई आप ओनर हो क्या? आप तो उसे पे करते हो और जो भी कमोडिटी खरीदनी होती है वो खरीद लेते हो। तो जब भी कोई बायर सेलर से कोई गुड्स खरीदेगा तो वो एज्यूम करेगा कि सेलर को बेचने का राइट है। इट मींस अगर कल को इस चीज में कोई डिफेक्ट आता है कि ओनरशिप उसकी थी या ओनरशिप उसकी नहीं थी, तो क्या ब्रेक मान ली जाएगी? इंप्लाइड कंडीशंस ब्रेक मान ली जाएगी और बायर को डबल रेमेडी मिल जाएगी। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है और वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। दूसरी जो इसके अंदर आएगी वो कौन सी आएगी? सेल बाय डिस्क्रिप्शंस। कौन सी आएगी? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, विवरण के आधार पर माल का विक्रय। अगर कोई गुड्स ऐसी है जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेची गई है कि मैंने कहा कि मेरे मैं घोड़ा बेच रहा हूं कि घोड़ा ऐसा है घोड़ा वैसा है, तो जब भी ये ट्रीट किया जाएगा, जब भी ये बेचा जाएगा घोड़ा, तो क्या ट्रीट किया जाएगा कि वो घोड़ा कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उस विवरण के आधार पर होना चाहिए। अगर उससे मैच नहीं कर रहा तो इंप्लाइड कंडीशंस ब्रेक मानी जाएगी और वही बायर को डबल रेमेडी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा सेल बाय सैंपल। नेक्स्ट कौन सा आएगा? सेल बाय सैंपल, सैंपल के आधार पे दिख रहे हैं। अगर कोई गुड्स जो बेची जा रही थी वो किस बेसिस पे बेची जा रही थी? सैंपल के बेसिस पे, दिखा के। जैसे मैं चावल खरीदने गया किसी के पास और सामने वाले ने मेरे को सैंपल दिखा दिया। नेक्स्ट, अब जब भी वो डिलीवरी दी जाएगी, मैंने सैंपल को अप्रूव कर दिया, अब जब भी वो डिलीवरी दी जाएगी तो क्या एज्यूम किया जाए? क्या मेरे को ये बोलने की जरूरत है कि भाई जब भी आप डिलीवरी दोगे वो डिलीवरी किससे मैच करती होनी चाहिए? सैंपल से ही तो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया जाएगा। तो उस केस में वो जो भी गुड्स होगी वो किसके अकॉर्डिंग मैच करती होनी चाहिए? सैंपल के अकॉर्डिंग। अगर सैंपल के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही तो क्या ब्रेक होगा? इंप्लाइड कंडीशंस। और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास डबल रेमेडी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकता हूँ और मैं कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूँ। नेक्स्ट आती है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कि अगर कोई गुड्स ऐसी थी जो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग बेची जा रही थी तो वो गुड्स कैसी होनी चाहिए? वो गुड्स दोनों से मैच करती होनी चाहिए। इट मींस अगर वो सिर्फ सैंपल से मैच कर रही है डिस्क्रिप्शन से नहीं, या उल्टा मैं अगर बात करूं, अगर वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही है और सैंपल से नहीं, तो उस केस में सामने वाला क्या कर सकता है? इंप्लाइड कंडीशंस को ब्रेक मान सकता है और उसके पास डबल रेमेडी आ जाएगी। इट मींस अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग बेची जा रही है तो गुड्स कैसी होनी चाहिए? सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग मैच करती होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नेक्स्ट कौन सी है? कंडीशन एज टू क्वालिटी और
जब भी कोई बायर अगर कोई गुड्स खरीद के लाता है तो वो एज्यूम करके चलता है कि वो गुड्स उसके पर्पस के अकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए। अगर वो उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होगी तो वो क्या करेगा, गुड्स को रिटर्न कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है और इंपेयर्ड कंडीशंस को क्या मान सकता है, ब्रेक मान सकता है। जब भी आप कोई गुड्स खरीदोगे तो आप क्या मान के चलोगे कि भाई वो आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी, आप जिस यूज में उसे लेना चाहते हो, अगर वो उस यूज के लायक नहीं है तो उस केस में इंपेयर्ड कंडीशंस ब्रेक होगी और आप गुड्स को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगी वो अपनी आएगी कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, व्यापार योग्य। मर्केंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, व्यापार योग्य, कि जब भी कोई गुड्स बेची जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, मर्केंटेबल होनी चाहिए, बेचने लायक होनी चाहिए। अब मर्केंटेबल का मतलब क्या है, अगर उस गुड्स की सिमिलर गुड्स जो मार्केट में बिक रही है, अगर आप उस गुड्स को सिमिलर प्राइसेस में बेच सकते हो तो आप कहोगे गुड्स कैसी है, मार्केटेबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी से सीमेंट मंगवाई और रास्ते में इसके पानी लग गया और वो पत्थर हो गई तो क्या वो मार्केटेबल है, क्या वो अपने सिमिलर गुड्स के अकॉर्डिंग उसी रेट में बिक पाएगी, आंसर क्या होगा, भी नहीं बिक पाएगी। तो इट मीन्स गुड्स कैसे होनी चाहिए, मार्केटेबल होनी चाहिए, व्यापार योग्य होनी चाहिए। अगर वो मार्केटेबल नहीं है तो उस केस में आप इंप्लाइड कंडीशंस को ब्रेक मानोगे और आपके पास डबल रेमेडी हो जाएगी। लास्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो वो आएगी कंडीशन एज टू होलसमनेस, कौन सी आएगी, लास्ट जो आएगी वो आएगी कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होगा पूर्णता की शर्त, कंडीशन एज टू होलसमनेस या पूर्णता की शर्त। ये सिर्फ इटेबल गुड्स के केस में लगता है कि जब भी आप कोई इटेबल गुड्स खरीदते हो तो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि वो गुड्स कैसी है, उनकी खाने लायक होगी। अगर वो गुड्स खाने लायक ना हो तो आप इंपेयर्ड कंडीशंस ब्रेक मान सकते हो और आपके पास डबल रेमेडी होगी, पहला आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये थी अपनी इंपेयर्ड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू होलसमनेस। और नेक्स्ट जो अपन ने जो भी पढ़ी थी, अब अपन बात करते हैं इंप्लाइड वारंटीज की। नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है, इंप्लाइड वारंटीज। तो इंप्लाइड वारंटीज में सबसे पहली जो आपकी वारंटी आएगी वो आएगी वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। कि जब भी आप कोई गुड्स खरीद के लाते हो तो ये इंप्लाइड वारंटी होती है कि आप उस गुड्स को कैसे यूज कर सकते हो, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, कि भाई आपको उस गुड्स के ऊपर पोजेशन बनाए रखने से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आगे नहीं कहेगा कि गुड्स मेरी है। अगर कोई करेगा तो इंप्लाइड वारंटी ब्रेक होगी, कौन सी वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन की। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक चीज क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, वो कौन सी होगी, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। नेक्स्ट अगर मैं वारंटी की बात करूं तो वो आएगी वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेज, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेज। इसका एक वर्ड और यूज कर सकते हैं अपन, चार्ज फ्री। जब भी कोई गुड्स, जब भी कोई बायर सेलर के पास कोई गुड्स खरीद के लाता है तो वो क्या एज्यूम करेगा कि वो गुड्स कैसी होनी चाहिए, चार्ज फ्री, मींस वो किसी के पास गिरवी रखी हुई नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी किसी के पास जाऊंगा कोई गुड्स खरीदने तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि भाई सेलर को बेचने का राइट है और वो गुड्स किसी की है, उसी सेलर की है, वो उसके पास किसी दूसरे की प्लेज या चार्ज फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल वो किसी की गिरवी नहीं होनी चाहिए। ये थी अपनी नेक्स्ट इंप्लाइड वारंटी। थर्ड जो इंप्लाइड वारंटी आएगी वो आएगी डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। कि अगर गुड्स ऐसी है जिससे बायर को कोई हार्म, कोई नुकसान हो सकता है, तो सीधी सी बात है सेलर को ऑटोमेटिकली ये बताना पड़ेगा, बायर को पूछने की जरूरत नहीं है, सेलर को बताना पड़ेगा कि इस चीज से आपको नुकसान हो सकता है। अगर उसने नहीं बताया तो उस केस में कोई भी डैमेजेस अगर होगा तो वो उसके लिए बायर को क्या देना पड़ेगा, सेलर को बायर को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशी का डब्बा खरीदा जाए जो खेतों में छिड़का जाता है,
अगर उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन ना हो और बाहर ने उसको जोर लगा के खोला और जैसे उसने खोला वो सारा का सारा पेस्टिसाइड उसकी आंखों में चला गया और वो अंधा हो गया, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर पेस्टिसाइड्स के डब्बे के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था कि इसे जान से खोली है तो उस केस में बायर क्लेम कर सकता है। उस केस में बायर को पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इंप्लाइड वारंटीज। क्या अगर गुड्स डेंजरस नेचर की है तो सेलर को खुद को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसे डेंजरस नेचर के बारे में बायर के पूछने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और लास्ट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा क्वालिटी और फिटनेस का पॉइंट, कि वो गुड्स कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बायर ने जिस भी पर्पज के लिए खरीदा है उस पर्पज के अकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस केस में इंप्लाइड वारंटी ब्रेक होगी और आपके पास सिर्फ एक रेमेडी होगी, आप क्या कर सकते हो? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये था अपना इंप्लाइड वारंटीज। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो अपना टॉपिक आएगा कैवियट इम्पेटर। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? कैवियट इम्पेटर। अब कैवियट इम्पेटर का मतलब क्या है? कैवियट इम्पेटर का मतलब होगा क्रेता सावधान रहे। कैवियट इम्पेटर का मतलब क्या होगा? लेट द बायर बीवेयर, क्रेता सावधान रहे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई बायर कोई गुड्स खरीदेगा तो उसे अपनी आंखें खुली रखनी होगी, वो अपने बैड सिलेक्शन के लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। या इन शॉर्ट, जब भी कोई सेलर गुड्स अपनी बेचेगा तो वो अपनी गुड्स के डिफेक्ट बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बायर को खुद को एग्जामिन करना पड़ेगा कि उस गुड्स में क्या डिफेक्ट थे। इसलिए अगर उसने कोई बैड सिलेक्शन कर लिया, अगर उस गुड्स में कोई डिफेक्ट निकला तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेलर अपने गुड्स के डिफेक्ट बताने लग जाए कि भाई ये सामान खरीद लो इसमें ये डिफेक्ट है, तो क्या कोई भी बायर उसको खरीदेगा? तो सिंपल सा रूल कैवियट इम्पेटर क्या कहता है? लेट द बायर बीवेयर, कि जब भी बायर कोई गुड्स खरीदेगा तो उसे खुद को सावधान रहने की जरूरत है। ये रूल क्या कहता है? क्रेता सावधान रहे, कि जब भी क्रेता कोई गुड्स या बायर कोई गुड्स खरीदेगा तो उसे अपनी आंखें खुली रखनी है, वो अपने बैड सिलेक्शन के लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। लेकिन अगर ये रूल प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो तो इस केस में तो बायर को परेशानी हो सकती है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन, इसके कुछ अपवाद जहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वो रूल कौन से होंगे? सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वो आएगा फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। फॉर एग्जांपल, अगर बायर सेलर को पहले से ही जाके अपना इंटेंशन बता दे कि भाई मेरे को ये सामान इसलिए खरीदना है, तो उस केस में ये सीधा सीधा क्या होगा कि वो गुड्स कैसी होनी चाहिए? उसे बायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर उस पर्पज के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो कैवियट इम्पेटर एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी केमिस्ट के पास जाऊं और उसे ये कहूं कि मेरे को बॉइल्ड वाटर डालने एक ऐसी बोतल दे दे, उसने मेरे को एक बोतल दे दी और मैं घर पे आया और मैंने वाटर बॉइल किया उसके अंदर डाला, जैसे ही डाला वो बोतल क्रश हो गई, क्या मैं उसे रिप्लेस करवा सकता हूं? जैसे ही मैं रिप्लेस करने जाऊंगा वो तो क्या कहेगा? कैवियट इम्पेटर, लेट द बायर बिहेवियर, आपको सावधान रहने की जरूरत थी। लेकिन क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा? मैंने सामने वाले को बता दिया था कि मेरे को क्या डालना है, बॉइल्ड वाटर डालना है, इसलिए उस केस में मेरे को बिहेवियर, मेरे को सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। तो अगर कोई भी बायर अपना पर्पज सेलर को बता दे कि उसको किस लिए गुड्स चाहिए तो फिर उसे बिहेवियर रहने की जरूरत नहीं है, उस केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा जो केस जहां पे रूल एप्लीकेबल नहीं होता वो होता है गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम। अगर कोई भी गुड्स किसके अकॉर्डिंग खरीदी जा रही है? ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग खरीदी जा रही है, तो उस पे बायर को रिलाई, उस पे बायर रिलाई करके उसको खरीदता है, इसलिए उसको बिहेवियर रहने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ लाइक शैम्पू, एक पैंटीन या हेड एंड शोल्डर, तो मैं वहां पे दुकान पे अपना सर धोके थोड़ी देखूंगा कि वो सही है नहीं। अगर किसी लेडीज ने उसे खरीदा और उसे यूज किया और उसके सारे बाल गायब हो गए तो उस केस में क्या वो क्लेम कर सकती है? और कंपनी वाले कहें कैवियट इम्पेटर, लेट द बायर बिहेवियर, आपको सावधान रहना चाहिए था, आपने देखा क्यों नहीं? तो जहां भी गुड्स ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग बेची जा रही है वहां पे वो गुड्स क्यों खरीद रहा है बायर? क्योंकि वो उसके ऊपर रिलाई करता है, विश्वास करता है, तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केस में? गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम के। अगर कोई भी गुड्स ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग खरीदी जा रही है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है वो आता है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। गुड्स किसके थ्रू बेची जा रही हो? डिस्क्रिप्शन, विवरण के आधार पर बेची जा रही हो तो गुड्स कैसी होनी चाहिए? डिस्क्रिप्शन से मैच करती होनी चाहिए। वहां पे बायर को बिहेवियर रहने की जरूरत नहीं है कि भैया गुड्स कैसी होनी चाहिए,
डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगी कैविएट इम्पेटर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा गुड्स सोल्ड बाय सैंपल। अगर गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग बेची गई थी तो सीधी सी बात है बायर क्या चाहेगा कि गुड्स कैसे होनी चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा और वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो आएगा गुड्स सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स किसके अकॉर्डिंग बेची गई हो, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग बेची गई है तो वो गुड्स कैसी होनी चाहिए, सैंपल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कैविएट इम्पेटर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सेलर एक्टिवली कंसील्स द फैक्ट्स। अगर सेलर जानबूझ के कुछ गलत करे, कुछ छिपाए, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत कहे तो उस केस में बायर को बिहेवियर रहने की जरूरत नहीं होगी, वहां पे कैविएट इम्पेटर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये केस थे जहां पे कैविएट इम्पेटर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिटनेस और क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, अगर उसने अपना पर्पस बता दिया हो, गुड्स ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग बेची जा रही हो, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, सैंपल के अकॉर्डिंग, सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, या सेलर जानबूझ के किसी पर्टिकुलर फैक्ट को क्या करे, छुपा है, तो उस केस में बायर बिहेवियर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था अपना कैविएट इम्पेटर बायर बिहेवियर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।